उनको समझ में नहीं आया कि कांग्रेस ने क्यों दे दिया और क्यों उन्होंने कांग्रेस की सीट ले ली, खोला कांग्रेस की सीट क्यों ले रही उसको नहीं जानकारी। अरे ऐसा आदेश देंगे कि नहीं लड़ना है तो कहीं लड़ेंगे नहीं, ना मधेपुरा ना सुपौल ना कहीं, लड़ेंगे तो पूर्णिया ना तो कहीं। पप्पू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल यही है आपसे कि पूर्णिया से क्या तैयारी है आपकी, चूंकि महागठबंधन ने वहां से टिकट दे दिया बीमा भारती को, आपको क्या आप किस तैयारी में और किस उम्मीद में अभी तक? कांग्रेस से अभी भी उम्मीद है क्या कि सिंबल मिलेगा? आशीर्वाद तो है हमको हमारे लीडर का। मैंने किसी बड़े नेता से बात हुई आपकी? बड़े नेता कौन है कांग्रेस में? आदरणीय प्रियंका जी राहुल जी के अलावा। पप्पू जी आप इस उम्मीद में हैं कि आपको कांग्रेस सिंबल मिलेगा, उम्मीद रखनी अच्छी बात है। मैं ये उम्मीद में नहीं हूँ लेकिन आशीर्वाद तो है। हाँ आशीर्वाद तो मिलेगा। अगर मान लीजिए कि सिंबल नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे आप, निर्दलीय? मैं मेरा देखिए वो तो जनता तय करेगी और हमारे नेता हमें क्या आदेश देते हैं ये मात्र। अगर मान लीजिए कि नेता ने आदेश दिया कि आपको वहां से नहीं लड़ना है तो फिर आप क्या करेंगे? अरे ऐसा आदेश देंगे कि नहीं लड़ना है तो कहीं लड़ेंगे नहीं, ना मधेपुरा ना सुपौल ना कहीं, लड़ेंगे तो पूर्णिया ना तो कहीं नहीं। और हमारे नेता पर हमें विश्वास है, आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, आदरणीय खड़गे जी पर मुझे पूरा भरोसा है। लालू यादव को आपसे क्या समस्या है? वो मेरे बुजुर्ग है, मेरे पिता की तरह है। सारी सीटें कांग्रेस की थी, पता नहीं मैं मुझको समझ में नहीं आया कि कांग्रेस ने क्यों दे दिया और क्यों उन्होंने कांग्रेस की सीट ले ली, खोला कांग्रेस की सीट क्यों ले रही मुझको नहीं जानकारी। अच्छा लालू यादव से आपने निवेदन किया कि आप ये सीट हमें दे दीजिए, लगता है कि लालू यादव आपकी बात मानेंगे? भैया एक पुत्र का क्या अधिकार बनता है, अनुग्रही हो ना, मैं भी तो चौथा बड़ा बेटा रोहिणी जी के लिए प्रचार करने जाएंगे आप? मीसा जी जीते, मीसा जी और रोहिणी जी के लिए हमें याद करेंगे और जरूरत एकदम जाऊंगा। मीसा भारती जी के लिए भी जाऊंगा और रोहिणी जी के लिए भी जाऊंगा, दोनों बहन के लिए जाऊंगा। यदि मेरी कहीं जरूरत हुई सक्षम है, लेकिन यदि मेरी जरूरत हुई तो मैं जाऊंगा। अच्छा पप्पू यादव सर्वमान्य नेता हैं, जनता इंतजार कर रही है, ये पक्का है कि 4 को आप नॉमिनेशन करेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कांग्रेस से कहने पे आप बैठ तो नहीं जाएंगे? स्थिति में अपने नेताओं का इंतजार है, जनता ने कह दिया है कि आपको और वो रहेगा। ठीक है पप्पू जी बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। एबीपी लाइव प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।